दूसरा किसी अध्याय में चाहता है वह शांति भावना जिसके नहीं है जिसको शांति नहीं मिलती ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। राशि बताने की कृपा करें कि भावना अंतरकरण की किस वृत्ति को कहते हैं, बोध और भावना में क्या अंतर है। नारायण, भावना का अर्थ भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। राग द्वेष दुःखैस्तु विषयानिन्द्रियैश्च आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिस्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरजुष्टस्य न चाजुष्टस्य भावना न चा भाव अशांति अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान कहते हैं कि आप व्यवहार सब कीजिए, आप चाहे मजदूर का काम कीजिए, चाहे व्यापारी का, चाहे किसान का, चाहे पहरेदार का काम कीजिए, और चाहे पढ़िए लिखिए ब्राह्मण का काम कीजिए, और चाहे वैराग्य की प्रधानता से त्यागी हो जाइए, और चाहे संसार में महत्व बुद्धि होने से उसका ग्रहण कीजिए। ये सब ठीक है। विषयान इंद्रिय चरण, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण विषयों के साथ व्यवहार को कीजिए, परंतु ध्यान रखिए आपकी इंद्रियों में राग द्वेष न हो। यदि राग हो जाएगा तो आपके मन पर ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि आप कहीं न कहीं फंस जाएंगे। बड़े बड़े विरक्तों को देख चुके हैं नारायण, जो नंगे रहते हैं, जो लंगोटी पहनते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनके हृदय में भी राग हो जाता है, और राग हो जाता है तो वो कहीं न कहीं फंस जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हृदय में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, जंगल में आते हैं, फल फूल रहते हैं, नंगे लंगोटी पहन से रहते हैं, पर उनके हृदय में भी द्वेष आ जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि शांति प्राप्त करना है तो पहली बात यह है कि राग के कारण आपकी इंद्रियां कहीं फंस न जाएं, और द्वेष के कारण किसी से नफरत न करें, और आत्मवश्य ही इंद्रियां अपने बस में हो, आप इंद्रियों के बस में न हो। आंख ने कोई चीज अच्छी देखी, हमने देखा एक विरक्त को, किसी स्त्री के प्रति उसके मन में आकर्षण हो गया, और देखने में बड़ा त्यागी, बड़ा बैरागी। अब महाराज जब उसको छोड़ के कहीं जाना पड़ा तब तो खसूची हो गया। खसूची माने जैसे ज्योतिष पर विश्वास करने वाले लोग आसमान की चुगली करने के लिए कि ये तारा यहाँ, ये तारा यहाँ, ये ग्रह यहाँ, ये ग्रह यहाँ, वैसे उसकी आंखें बिल्कुल आसमान की ओर हो गई, वो जैसे आंसू न गिर जाए उसकी आंख से। तो भाई ये राग द्वेष जो है इनके कारण हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती हैं, तो उनको मारो मत, उनको कैद मत करो, उनको केवल अपने नियंत्रण में रखो आत्मवश्य ही, और विधेय आत्मा आपका मन आज्ञाकारी हो, वो आपका सेवक है, मन आपका मालिक है, आप उसको जैसी आज्ञा दे वैसा मन करे। इससे क्या होगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। प्रसाद माने संस्कृत में निर्मलता होता है, ये जो हम लड्डू पूरी का प्रसाद पाते हैं संस्कृत में, इसके अर्थ में प्रसाद शब्द नहीं है। पीछे के ग्रंथों में जरूर एक आध जगह ऐसा प्रयोग हुआ, परंतु प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद माने अपने हृदय की निर्मलता, न द्वेष की कालिमा और न राग की रक्तिमा, दोनों से निर्मुक्त अपना चित्त प्रसाद मधि गच्छति।
और जब मन निर्बल रहने लगता है, हृदय निर्बल रहने लगता है, तो उसमें दुख नहीं आ सकता। दुख तो तभी है जब आसमान में धुंध छाया हुआ है, आंधी चल रही है, बादल फिरे हुए हैं, तब तो दुख है। और जब अपना हृदयाकाश निर्मल है, न उसमें आंधी चल रही है, न कोई धुंध है उसमें, न कोई गर्मी है, न सर्दी है, तब आपका हृदयाकाश निर्मल है, तो इसमें दुख मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिदस्यो को जाए थे, प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते। जब अपना चित्त निर्मल प्रसन्न होता है, तब बुद्धि हमारी निश्चयात्मक हो जाती है। जब तक आदमी की इंद्रियां जो हैं वो चंचल रहेंगी और राग द्वेष से युक्त रहेंगी और बेकाबू रहेंगे, तब तक अशांति बनी रहेगी। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, यदि आपकी इंद्रियां शांत नहीं रहेंगी तो आपका ज्ञान, आपका निश्चय भी दावादोल रहेगा। नचा युक्तस्य भावना, और उस समय यदि आप कोई भावना अब स्थिर करना चाहेंगे, वो भावना भी स्थिर नहीं होगी, और यदि भावना स्थिर नहीं होगी तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो बोध और भावना में अंतर क्या है? बोध जो होता है वो जैसी वस्तु होती है उसके अनुरूप होता है। पत्थर को पत्थर समझना बोध होगा, अपने आत्मा को आत्मा समझना बोध होगा। जो वस्तु जैसी है, जो है, उसको वैसा जान लेना, इसका नाम बोध है। और एक पत्थर की मूर्ति है, मुसलमान की दृष्टि में वो बुद्ध है, ईसाई की दृष्टि में उसकी कोई बहुत कीमत नहीं है, पारसी की दृष्टि में भी कोई बहुत कीमत नहीं है, लेकिन एक सनातन धर्मी हिंदू है, उस मूर्ति को सामने रख करके अपने हृदय को भगवत भाव से परिपूर्ण करता है। तो भावना होती है करने वाले की ओर से, और बोध होता है जिस वस्तु का बोध है उसकी ओर से आता है। वस्तु तंत्रो भवेत बोधा, कर्तृ तंत्रम उपासनम। भावना कर्ता के अधीन होती है, वो भावना करे कि ये सालग्राम साक्षात विष्णु है, बहुत बढ़िया, और ना करे उसको पत्थर समझ के छोड़ दे, तब बहुत बढ़िया, और नारायण उसको गोली समझ के कहीं इसके फिसल के कोई गिर न जाए तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कर्ता के अधीन जो वस्तु होती है उसको करने में, न करने में, बदलने में कर्ता का हाथ होता है, कर्ता की अधीनता होती है। भावना करे न करे, भावना बदल दे, जिसके बारे में अच्छे की भावना है उसके बारे में बुरे की भावना हो जाए, बुरे जो है बुरे की भावना जिसके बारे में है उसमें अच्छे की भावना हो जाए। तो भावना जो जीव की बनाई हुई है वो बदलती रहती है, छूटती रहती है, नई बनती रहती है, लेकिन बोध जो होता है वस्तु का, वो जो वस्तु जैसी है जैन रूपेण या निश्चितम तन्नव्यभिचरति, जिस रूप में उसका निश्चय हो गया कि ये स्वरूप ऐसा है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो बोध जो है वो वस्तु के स्वरूप के अनुरूप ज्ञान है, और उससे उस वस्तु का अज्ञान मिट जाता है। और भावना जो होती है वो अपने हृदय को उत्तम से उत्तम बनाने के लिए हम निर्माण करते हैं। होता है सामने पत्थर और हम भावना करते हैं कि है भगवान, पत्थर पत्थर पड़ा रहेगा लेकिन हमारा हृदय भगवान में भगवदाकार हो जाएगा। तो बोध और भावना में क्या अंतर है? एक आती है वस्तु की ओर से, मैं अधीन है नारायण, और एक है भावना के अधीन, कर्ता के अधीन भावना होती है। भावना बदलती है, छूटती है, पकड़ी जाती है, लेकिन बोध न बदलता है, न छूटता है, न पकड़ा जाता है। ओम शांति।
अभी तो गजेश और गरीबा को ही भजन क्या है भक्ति ज्ञान और योग में भजन का क्या ये भजन शब्द जो है इसको श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो विषयानंद और उपासनानंद और ज्ञानानंद और ब्रह्मानंद इन सबसे विलक्षण करके भजनानंद को माना है। भजन क्या है? भजनम नाम रसनम। भजन माने स्वाद लेना। जैसे आप यहाँ भगवान के बारे में सुनते हैं जमुना जी का तट है, बालुका में फुलिन है और ऊपर जो वन है उसमें मोर नाच रहे हैं, उसमें पक्षी चहक रहे हैं, गौएं पानी पीने के लिए जा रही हैं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। ये बात आपने सत्संग में भगवान की कथा में सुनी। अब गए घर और घर जाके बारंबार वो जो सुनी हुई बात है वो आपकी स्मृति पथ पर आती है। नारायण सुना था वहाँ, उसका एक संस्कार अपने हृदय में पड़ गया, अब उसको निकाल निकाल करके उसका आनंद लेते हैं। तो ये जो सुने हुए और देखे हुए लीला भी देखते हैं, सुने हुए और देखते हुए भगवत भावना, भगवत भावना को पुनः पुनः दोहरा करके उसका मजा लेते हैं। भजनम नाम रसनम, भजनम नाम आस्वादनम। भजन माने रसानुभूति। अब उसको याद कर करके मजा लेते हैं। दृष्टांत तो इसका ऐसे देते हैं कि जैसे बैल है और गाय है वो पहले घास भूस खा लेते हैं और पेट में चला जाता है गले के नीचे और फिर उसको लौटा लौटा करके अपने मुंह में लाते हैं और उसको चुगलाते हैं। साहित्यिक लोग चरबण शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं, चरबणा होती है उनके यहाँ। चरबणा माने जुगाली करना, हमारे गांव में बोलते हैं पागुर करना। इसी प्रकार जो भगवान की लीला देखी हुई है या सुनी हुई है उसको अपने मन में पुनः पुनः ले करके और उसका रसास्वादन करना, इसका नाम होता है भजन। धातु का अर्थ तो है प्रीति पूर्वक सेवन। तो प्रीति होती है मन में और चाहे बाहर पूजा करें, चाहे पांव से प्रदक्षिणा करें, हाथ से पूजा करें और जीभ से चाहे स्तुति करें और चाहे साष्टांग दंडवत करें और चाहे मन में ध्यान करें, लेकिन हमारी जो प्रीति है, प्रीति माने तृप्ति, वो जो हम जगह जगह से रसास्वादन और तृप्ति लेते हैं उनकी जगह पर भगवान, भगवान के धाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की सेवा, भगवान के दर्शन, भगवान के नाम में जो रसास्वादन है उसको भजन कहते हैं। संस्कृत की ये भज धातु बड़ी विलक्षण है। नारायण भजन माता का भी होता है, पिता का भी होता है, पति का भी होता है, पुत्र का भी होता है और देश का भी होता है, जाति का भी होता है। जहाँ हम प्रीति विशिष्ट सेवा करेंगे, प्रेम से तृप्त होते हुए रस लेते हुए, केवल नेक चार के लिए नहीं, केवल वैधी सेवा नौकर चाकर की तरह नहीं, केवल हुकुम मानने के लिए नहीं, जहाँ हम अपने रस से घोल करके किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं उसका नाम भजन हो जाता है। और इस भजनानंद को तो ऐसा बोलते हैं महाराज कि ये ब्रह्मानंद में केवल शांति है, रसास्वादन नहीं है, और विषयानंद में
पराधीनता है। नारायण और योगानंद में अभ्यास का कष्ट है, लेकिन ये जो भजनानंद है इसमें न तो विधि है और न तो अभ्यास है और न तो शांति है। इसमें तो अपने प्यारे के लिए रोना भी भजन है, उसका दूर होने पर जो चिंतन होता है वो भी भजन है, पास रहने पर जो स्पर्श होता है वो भी भजन है। नारायण वो जब चिढ़ाता है, कुढ़ाता है, काटता है, पीटता है, तब भी मजा आता है, वो भी भजन है। और जब प्यार दुलार करता है तब भी भजन है। जिसके हृदय में ये प्रीति का भाव आ गया, उसको महाराज एक घास को प्यार करते समय भी भजनानंद होगा, एक मिट्टी को प्यार करते समय भी भजनानंद का अनुभव होगा, और वो जिसको छुएगा उसमें भी भजन का आनंद भरेगा, जिसको देखेगा उसको भी आनंदमय कर देगा, जिसको सुनेगा वहां भी उसकी सांस में से आनंद फैलता है, उसकी वाणी में से आनंद विकीर्ण होता है, उसके शरीर से जो तन्मात्राएं छूटते हैं वो परमानंदमय होते हैं। ये भजन केवल एक जीवन को ही नहीं बल्कि समग्र सृष्टि को तृप्तिमय, रसमय, परमानंद, परमाह्लादमय बनाने के लिए ये भजन जिसके जीवन में आ जाए वो जीवन कृतार्थ हो जाता है। नारायण वहाँ दुख का लेश नहीं रहता है, वहाँ दुख भी सुख रूप हो जाता है, परमानंद हो जाता है, ऐसा ये भजन है। तो हृदय उसको कहते हैं कि बाहर की चीजों को देख देख करके जहाँ इनकी स्मृतियों को हम तिजोरी में रख देते हैं। हृत जो है उसका अर्थ होता है हरण करने वाला। एक घोड़े को दौड़ते हुए देखा और वो हृदय में उसका संस्कार कहीं लग गया, भीतर संस्कार उसका रह गया। अब समय पर उसकी याद भी आती है, सपना भी आता है। तो घोड़े का दौड़ना कहाँ रखा हुआ है? एक मंदिर में भगवान की मूर्ति देख करके आए और उसका स्मरण होता है। एक कोई उत्तम स्त्री मिली, उत्तम पुरुष मिला या बुरा मिला, उसको उसमें से संस्कार ले करके हृदय में जहाँ रखा जाता है उसको हृदय कहते हैं। हृत माने हराती इति हृत, हृत धातु है और उससे तुक प्रत्यय हो करके हृत शब्द बनता है। और हृदय आयते इति हृदय, हृदय माने जो हृदय में डोलता फिरता डोलता रहता है, बना रहता है, उसका नाम हृदय होता है। संस्कारों का जो मूल स्थान है वहाँ जहाँ आप सुषुप्ति में जाकर सो जाते हैं, जहाँ बैठकर आप स्वप्न देखते हैं, जागृत में जहाँ से विषयों का दर्शन उपभोग करते हैं। अब बताओ कि हमको तो वो जगह बताओ नाप के कि अंगूठे से कितने इंच, कितने फुट ऊपर और सिर से कितने फुट नीचे वो जगह होती है। नारायण आप रक्त का स्थान बता सकते हैं कि शरीर में कहाँ रहता है? नारायण आपका रक्त ही सारे शरीर में घूमता है। अच्छा आपके प्राण, अपान, समान, उदान शरीर में कहाँ रहते हैं आप बता सकते हैं? कि यदि प्राणों की गति एक एक रग में न हो, एक एक नस में न हो नारायण, तो क्या वो क्रियाशील रह सकते हैं? तो जब रक्त की ये स्थिति है और प्राण की ये स्थिति है तो मन के बारे में ये सोचना कि ये शरीर के किसी एक देश में रहता है,
इंजेक्शन लगाने से जो मन सो जाता है वो कहीं एक देश में सोता है, इस समूचे शरीर में सोता है। तो मन असल में एक मध्यम परिमाण वस्तु है, व्यावहारिक दृष्टि से अंगूठे से लेकर के और चोटी तक ये संवेदन का अनुभव करता है और स्पर्श का अनुभव करता है। और वस्तुतस्तु ये मन जो है ये प्राण से भी सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है। सृष्टि का मन एक ही होता है। इसी से योगी लोग दूसरे के मन की बात भी जान सकते हैं और अपने मन की बात दूसरे के मन में डाल भी सकते हैं, क्योंकि मनस तत्व अपनी सूक्ष्म दशा में एक होता है। तो हम वेदांतियों की बात यदि आपको सुनावे तो शरीर में मन नहीं रहता है, शरीर में हृदय नहीं रहता है, हृदय में शरीर रहता है। ये अद्भुत है। स्थूल में सूक्ष्म नहीं रखा जाता, सूक्ष्म में स्थूल का भान होता है। इसलिए ये एक अद्भुत, ये एक आश्चर्यजनक बात है कि हमें इस शरीर का हृदय में ही भान होता है और हृदय में ही हमें ये शरीर दिखाई पड़ता है। यदि हमारा हृदय सो जाए, बेहोश हो जाए, तो इस शरीर का कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भगवान को यदि आप ढूंढना चाहें तो एक शरीर में नहीं, सब शरीर में, और एक शरीर के एक कण में नहीं, नारायण कण कण में और क्षण क्षण में और रग रग में और कोण कोण में वो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जुन तिष्ठति। एक बार की बात है, बहुत करके बनारस के चंदौली तहसील में थे, तो हमारे एक मित्र थे और सबसे अच्छे मित्र थे। वो जाते थे कचहरी में अपना ऑफिस देखने के लिए, तो बेईमानी का पैसा लेते नहीं थे और तनख्वाह में इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो नौकर नहीं रखते थे, घोड़ा भी नहीं रखते थे। समय पर आके दासी काम कर जाती थी, तो जब वो ऑफिस जाते तो हमको अपने घर में बंद करके चले जाते, ताला लगा देते बाहर से, और मैं उनके घर में 6 घंटे तक, 10 बजे से 4 बजे तक रहता। तो उस समय हमारे मन में आया कि ये यदि हम अपने अंगूठे को काटते हैं अलग तो उसमें हृदय होगा कि नहीं होगा। मन में आया कि इसमें तो बहुत से कीटाणु हैं, रक्त के कीड़े तो दिखाई पड़ते हैं आंख से मशीन में डाल देने पर, तो ये जितने कीटाणु हैं इनमें हृदय है कि नहीं। तो हमारी बुद्धि ने कहा हृदय तो सब कीटाणुओं में है, क्योंकि संवेदन होता है। अभी जो कण है यही समय पा करके कीटाणुओं के रूप में भी हो जाते हैं, तो कणों में भी हृदय होना चाहिए। हमारे अलग कटे हुए अंगूठे में उसके एक एक चाम के कण में उसके रक्त में सब जगह हृदय होता है। तो सर्वभूतानाम हृदय से पर जब हम विचार करते हैं तो पृथ्वी के हृदय में ईश्वर, भूत तो पृथ्वी भी है ना, जल के हृदय में ईश्वर, अग्नि के हृदय में ईश्वर, वायु के हृदय में ईश्वर, आकाश के हृदय में ईश्वर, और इन पंचभूतों से जो सृष्टि बनती है उनके हृदय में ईश्वर। ये जो ईश्वर का वर्णन है सबके हृदय में, वो ये चाम के थैली में और ये मांस के लोथड़े में और हड्डियों के इस पिंजड़े में एक स्थान का नाम हृदय है, ऐसा तो किसी भी प्रकार निकलता नहीं है। असल में ईश्वर का ही सारा रूप है, और हृदय में ईश्वर नहीं, ईश्वर में हृदय है। ईश्वर की कल्पना में, उसके संकल्प में और उसी के अंदर ये हृदय, और हृदय ही नहीं, हृदय में जो कुछ मालूम पड़ता है, भूत भविष्य दूर निकट अपना पराया, जो कुछ हृदय में मालूम पड़ता है वो सब का सब हृदय ही है। और हृदय जो है असल में परमात्मा का स्वरूप है। तो हम समझते हैं कि
इतनी ऊंची कक्षा में तो जाने की जरूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके और जिसको हार्ट कहते हैं, वो संस्कृत भाषा का हृदय नहीं है। यदि हृदय शब्द से हार्ट शब्द भी बनता है, हार्द भी बनता है, हार्द भी बनता है, हार्ट भी बनता है, नारायण हृत भी बनता है। तो ये सब कुछ होने पर भी शरीर के एक कोने में हृदय है, तो शरीर जलाने पर वो जलेगा और शरीर के मरने पर वो मरेगा। असल में वो एक ऐसी चीज है जो इस शरीर को भी जीवन दान करता है, इसलिए अपने शरीर को उस परमेश्वर के प्रति अर्पित करके देखो, उस परमेश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है। चाम के मांस के लोथड़े में, चाम की थैली में, हड्डियों के पिंजड़े में हृदय नाम की कोई चीज रहती है और इनके मरने जीने से मरती जीती है। ये कल्पना आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। ये तो सर्वथा निर्मल परमेश्वर का स्वरूप है। आपका हृदय नहीं परमेश्वर है और परमेश्वर नहीं हृदय है। हृदय और परमेश्वर ये दो चीज नहीं होते हैं। इनमें आधार आधेय भाव की थाली में पानी रखा है तो हृदय की थाली में परमेश्वर रखता है, इस तरह से नहीं होता है। इसके लिए तात्विक विचार अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। वो शास्त्र